Hey Sassy Nari, welcome to Little Pixels. This is your host Maitri, a social media professional, a mother, and a simple yet sassy woman just like you. Join me for sweet, simple, and practical ideas that help you in transforming into your best self. This mental health and personal growth podcast is a reminder that you matter. Hello Sassy Nari, thank you for joining me today. तो हम में से ज़्यादातर लोग या मे बी ऑल ऑफ अस वॉन्ट टू हैव अ करियर वी लव, कुछ ऐसा करें जिसके लिए हम पैशनेट हों. पर ये करें कैसे कि हमारा पर्पस और हमारा पैशन हमारे करियर से अलाइंड हो. तो लिटिल फिक्सेस के एपिसोड 121 में पर्पस कोच अपूर्वा प्रकाश ने हमें बताया था कि लाइफ पर्पस की क्या इंपॉर्टेंस है और हम अपना लाइफ पर्पस कैसे फिगर आउट कर सकते हैं. अपूर्वा ने बोला था कि लाइफ पर्पस एक होता है और उसको फॉलो करने के बहुत से डिफरेंट पाथ्स हो सकते हैं. तो आज हम उन्हीं पाथ्स यानी कि हाउ के बारे में बात करेंगे. मेरे साथ हैं विभा कागजी, फाउंडर एंड चीफ एजुकेशन ऑफिसर एट रीच आईवी. तो विभा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और कार्नेगी मेलन जैसे एलीट इंस्टीट्यूट से एजुकेशन ली है और सुनने पर लगता है कि वाओ, इसके बाद तो लाइफ सॉर्ट हो गई होगी. बट डिड इट रियली हैपन दैट ईजिली? वेल, लेट्स आस्क विभा कि एग्जैक्टली क्या हुआ and how she found her calling with ReachIV. ReachIV.com is a premium online education and career advisory for students. This episode will make you understand the importance of the journey of your life and will help you in aligning your career with your calling, chahe aap apni life ki kisi bhi stage pe ho. And before hearing from Vibha Kagzi, please follow Little Fixes on your podcast app and share it with a friend who might benefit from it. Now to our guest. Hi Vibha, welcome to Little Fixes. Hi Maitri, thank you so much and love the work you do and I'm thrilled that you've done 120 plus episodes. Amazing achievement for you, so kudos to you for doing the work you're doing. Thank you so much Vibha. And Vibha, hum aapki journey se hi start karenge. To sabse pehle to aap hame yahi bataiye, because hum log apni life purpose ko ya apni calling ko apne work se align karne ki baat kar rahe hain, to jab aap young thi ya when you were a kid, tab aap kya banna chahte the bade hoke? सो आई थिंक व्हेन जब मैं छोटी थी ना, आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे आई वॉन्ट टू बी रिच, आई वॉन्ट टू बी फेमस एंड आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल. सो एज अ चाइल्ड दिस वॉज माई मंत्रा कि भाई कैसे भी करके पैसे कमाने हैं, सक्सेस तो करना ही है और फेमस होना ही है. एंड दिस मे बी बिकॉज आई केम फ्रॉम अ वेरी ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली. मारवाड़ी फैमिलीज में मनी इज लाइक ब्रेकफास्ट टॉक, लंच टॉक, डिनर टॉक, चाय के टाइम पे भी सब लोग बिजनेस की बात करते रहते हैं, यू नो. सो मनी केम फ्रॉम दैट कंपोनेंट. सक्सेस केम फ्रॉम द फैक्ट दैट आई वाज अ थर्ड चाइल्ड एंड एज अ थर्ड चाइल्ड, पहला चाइल्ड माय ओल्डर सिस्टर, वेरी नाइस, वेरी प्रॉपर, डिड ऑल द राइट थिंग्स, सो शी गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन बिकॉज़ द फर्स्ट चाइल्ड इन आवर एंटायर फैमिली. देन केम माय ब्रदर, एज अ ब्रदर इन अ मारवाड़ी हाउसहोल्ड, उसकी तो बहुत अच्छा, उसका पोजिशनिंग बहुत अच्छा था. एज अ थर्ड चाइल्ड नीदर एम आई अ सन, नीदर एम आई अ फर्स्ट बॉर्न. So as a third child, you're craving for attention from your parents, you know. So I think that success comes from a very childhood psychological deficit ki bhai, koi meri bhi sun lo, koi meri bhi maan lo, kuch mera bhi kuch hona chahiye. So mujhe hamesha lag raha tha ki if I become successful, sab meri bhi sunenge. This is very childhood, I'm talking about like as a child, since you asked about childhood. And fame came from the fact that I was so intrigued. I used to watch a lot of cinema, a lot of Bollywood stuff. मैं अवार्ड्स में जाती थी. आई लव बॉलीवुड म्यूजिक, आई यूज़ टू लिसन टू ऑल दीज थिंग्स. म्यूजिक अवार्ड्स में जाती थी, आई यूज़ टू लुक एट दीज पीपल कम्प्लीटली स्टारी आइड एंड से यू नो, और जैसे वो सब कैमराज उनके ऊपर आते थे, आई वाज़ लाइक वाओ मैन, ऐसा लाइफ होना चाहिए. और वो सॉन्ग निकला ना, रंगीला का सॉन्ग निकला था, लाइक किसी का तो सपना हो आँखों में तेरी, दैट सॉन्ग. सो इन दैट सॉन्ग यू नो देर आर वर्ड्स विच से दैट पीपल नीड टू नो यू. You know, so that A.R. Rahman song, really, when I heard that Rangila song, I was like, man, mujhe bhi, like, you know, people need to know who you are. If you live one life, people need to know who you are. So these were like all the very childish childhood incidents that made me feel like, yaar, rich, famous, success to hona hi hai. At that time, to be honest, utna mere mein wo impact ka piece nahi tha ki, you know, impactful hona hai. Kyunki in Marwadi households, impact ka zyada nahi hota hai. Wo sab, you think about yourself, you know, it's, how do we become successful? How do we make wealth? There's not that much impact. So in my early years, there was no impact ki bhai, mujhe kisi aur ka bhi sochna hai, mujhe kisi aur ke liye bhi kuch karna hai. That impact piece came much later in my life when spirituality came into my life, Vedanta came into my life.
जया जी हु इज अ बिग वेदांता गुरु, आई डिड सम ऑफ अ क्लासेस जब मैं कॉलेज में थी, एंड देन एंड होल पर्पस एंड द होल पीस ऑन लाइक व्हाई डू यू वांट टू डू समथिंग दैट्स ओनली फॉर योरसेल्फ, डू समथिंग दैट हेल्प्स लार्जर सोसाइटी, दैट होल दैट एवोल्यूशन आई वुड से केम मच लेटर. वेरी अर्ली ऑन इट वॉज जस्ट दीज थ्री पिलर्स, वेरी सिंपल. तो आपने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे बड़े होके डॉक्टर बनना है, या बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे टीचर बनना है बड़े होके, या बहुत सारे मतलब ड्रीम्स होते हैं, जैसे मेरी डॉटर का ड्रीम अभी भी रोज चेंज होता रहता है, शी इज जस्ट 6, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कभी? कभी नहीं, आई नेवर वांटेड टू बी डॉक्टर, पायलट, वो सब मेरे जहन में ही नहीं था. वेरी वेरी क्लियर पैसा कमाना है, एंड आई थिंक मैंने बचपन में कोई हॉलीवुड मूवी देख ली होगी जिसमें दे शो न्यूयॉर्क सिटी एंड दे शो दीज बैंकर्स, वॉल स्ट्रीट के बैंकर्स, एंड आई वॉज लाइक वाओ, यू नो दिस इज पावर, दिस इज मनी, दिस इज सक्सेस. तो दैट विजन ऑफ सक्सेस फॉर मी वॉज न्यूयॉर्क में रहो, खुद का अपार्टमेंट होना चाहिए, एंड यू वर्किंग इन फाइनेंस, बिकॉज दैट टाइम फाइनेंस वॉज एट द टॉप ऑफ द पिरामिड. जैसे आज के दिन टेक है, उस टाइम फाइनेंस यूज टू सिट एट द टॉप. सो आई वॉज लाइक आई एम गोइंग टू सिट एट द टॉप, आई एम गोइंग टू बी इन न्यूयॉर्क, हैव माई ओन अपार्टमेंट एंड लिव एन इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ. वो बहुत जरूरी है मेरे लिए. बचपन से ही मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, मुझे किसी की नहीं सुननी है, मुझे अपनी करनी है. और अपनी करने के लिए यू नीड योर ओन मनी. द मिनट मनी इज इन योर हैंड, चॉइस इज इन योर हैंड, यू नो. सो दैट इक्वेशन ऑल्सो बिकेम वेरी क्लियर. आई रियलाइज यू हैव टू लिसन टू योर पेरेंट्स बिकॉज दे आर फाइनेंसिंग योर डिसीजन मेकिंग. द मिनट द मनी केम इन टू माई हैंड, द पावर चेंज, एंड आई सेड आई एम गोइंग टू मेक माई ओन डिसीजंस. सो वॉल स्ट्रीट वॉज अ ड्रीम, एंड वॉल स्ट्रीट ड्रीम डिड हैपन. आई डिड एंड अप गोइंग टू न्यूयॉर्क, आई डिड एंड अप हैविंग माई अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क. But very soon things changed, and we'll talk about that as we go on. Yeah, so I was going to ask you कि आपकी career trajectory क्या रही है exactly? Career trajectory, to be honest, has been एकदम zigzag. You know, there's no straight line because I was like a curious child. I wanted to constantly learn. For me, numbers came easily. Numbers, mathematics, these were my strong subjects. So, वो जो finance का vision था. That passion and interest for finance and money, along with my ability to deliver on money, that was an easy fit. So interest and intersection of ability, to bahut jaldi ho gaya. That's why I ended up in New York. But in the equation of how do you find your purpose, there's interest, there's ability. There's also a very important piece on, is this work impactful? Are you being able to help somebody else with your work? Aur wo finance mein mujhe bahut jaldi realize hoga ki bhai, this work is independent, solitary, and just requires you to sit behind your screen, punch in some numbers, run some Excel spreadsheets. But isme aur kisi ka kuch benefit nahi ho raha. You're living a solely selfish, independent life. And the minute I realized that piece was missing, wo job maine quit karke, I came back to India. And this dream, imagine having this vision and dream for yourself for so many years, itna build up karke, aur bahut mehnat se maine wo job hasil kiya tha, because 9/11 के बाद दे वर नॉट हायरिंग इंडियंस इन अमेरिका. सो वो जॉब मैंने बहुत इतनी मेहनत की थी फॉर दैट जॉब, बिकॉज दैट वॉज माई ड्रीम. एंड आई वॉज लाइक, ये ड्रीम तो कैसे भी करके इट हैज़ टू हैपन. आई हैड स्टॉप सोशलाइजिंग, कम्प्लीटली फोकस ऑन इंटरव्यूज, माई ग्रेड्स, स्कोर्स, एवरीथिंग. एंड आई गॉट दैट जॉब, गॉट माई वीज़ा, एंड देन आई क्विट दैट. सो वेन यू क्विट समथिंग वेन इट्स बिल्ट अप, इट्स अ लिटिल बिट, इट्स अ बिग सेट बैक. आई केम बैक टू इंडिया बिकॉज फैमिली यहाँ पे थी. And I was very disoriented for some time because I, ab kya karun, you know, itna padhai kiya, finance mein degree li, job mila tha. And in India, there was no comparable finance sector. Yahan pe finance tha, banking wagera thi, but nothing as sophisticated as New York banking. So I struggled for some time. My parents said, join our family business. I went to the family business. Completely different. Wo garments ka kaam karte the, karigari ka kaam. तो वो कारीगरों से एम्ब्रॉयडरी का काम निकलवाना, रोज़ कारीगर को था इतना थान देते थे हम लोग कि भाई आप इस पर ये जरदोजी कर दीजिए, ये कर. एंड आफ्टर सम टाइम आई वाज लाइक, इतना मैंने पढ़ाई लिखाई किया है, आई कांट स्पेंड माय टाइम एक्सप्लेनिंग टू द कारीगर कि आपका ये स्टिच थोड़ा कम हो गया भैया, ज़्यादा हो गया. यू नो, इट जस्ट डिडंट सीम लाइक माई सेंसिबिलिटी टू वर्क विथ. प्लस वर्किंग विथ माई फादर एंड ब्रदर, मारवाड़ी पेट्रियार्की में भी आई वॉज गेटिंग लॉस समवेयर. You know, though I was like, ये भी नहीं जम रहा है, कारीगरी का काम भी नहीं, it's not suiting my mental state. So purpose also, right? You have to find ability and interest. That was also not happening. और इसमें कुछ impact तो था ही नहीं, मतलब you are making fashionable garments for some rich people, तो impact का तो सवाल ही नहीं है. So it wasn't fitting into that framework, you know, interest, ability
एंड इम्पैक्ट, सो ये भी छोड़ दिया. देन आई वॉज अगेन एट कम्प्लीटली लाइक दिस एंड दिस आफ्टर ऑल माई एजुकेशन, यू आर जस्ट वंडरिंग कि भाई मैं क्या कर क्या रही हूँ. एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समबडी हू वांटेड टू सेट अप अ हेज फंड, इन्वेस्टमेंट्स फंड इन इंडिया. दे वर बेस्ड इन कैलिफोर्निया एंड दे वॉन्टेड अ कैलिफोर्निया इंडिया एंड चाइना अ थ्री वे फंड. That sounded like a golden opportunity. They said you will be heading up the India office and you know you can run this fund from India and you will cover all of India. So you learn all about India, macroeconomics, different sectors. India ka pura growth ho raha tha. We're talking, this is 2003, 2004-5. India was going through massive growth. A lot of sectors were opening up. Stock markets had suddenly started booming. So that seemed like a great opportunity. Again, the purpose wasn't there, but the interest and ability was there because of the finance interest and my ability to deliver on that job. So I went back to that space. 3 saal maine bahut mehnat ki. I learned the whole. Usme mujhe bahut acha exposure mil gaya because I got to work in different sectors and study different sectors in India. Great learning opportunity. And I had to run the office. So mujhe entrepreneurial experience mil gaya. I had to rent the office, office staff, basic telephone, AC, wiring, ye sab karwana pada shuru mein because they called me India head, but India head or tail or foot or nose or sab kuch khud hi ko, matlab ek aadmi ko laga diya ki sab karo. Card acha dikh raha tha us time, director India, but the reality of it was like, bhai aap hi, you know, watchman bhi, security bhi, everything all in one. It was very good learning for that age and stage of my life. It was great learning and I strongly recommend to young people to get these sort of experiences because aajkal bacche logo ko bolo ki इतना भी आप कर दो, यू नो, इंटर्नशिप में. आई हैव गेट दिस इंटर्न्स, आई टेल देम कैन यू डू दिस, कैन दे से नो मैम आई वाज नॉट आस्क्ड, यू डिडंट ब्रिंग मी ऑन फॉर दिस रोल सर. या बट डोंट यू वांट टू लर्न, डोंट यू वांट टू एक्सटेंड बियॉन्ड योर, नो वी विल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड. सो दैट इज अ लिटिल ऑफ रिजिडिटी आई एम सीइंग इन यंग पीपल. खैर लकली उस टाइम मेरे में नहीं था बिकॉज आई वॉज जस्ट सो ईगर टू लर्न. अपॉर्चुनिटी मिला, ले लिया, ग्रैब किया. 3 साल उसमें काम किया हेज फंड में. एंड देन माई बॉस सेड, भाई आपको ना अगर really if you want to be successful, really if you want that sort of impact in your life, you go to a top business school because that kind of network, credential, learning, exposure, credibility, wo aapko sirf ekdam top tier business school mein jaake hi milega. So then I applied to business school. Maine sirf 2 business schools mein apply kiya tha, which very few people know. I only applied to Wharton and Harvard, which at that time were like the top schools for MBA. And luckily, usme mera Harvard mein admission ho gaya tha. And that was also one of those childhood, you know, built up, ekdam heavily built up dreams ki bhai, kaise bhi karke, you know, uska brochure maine ek bar kahin dekh liya tha. I was like, oh my God, ye kya university hai? And that, again, on that success paradigm, like, that you equate success with these things, right? I equated success with New York life. I equated success with admission to Harvard. Now, whether these things actually ट्रांसलेट टू सक्सेस, कई बार हम किसी और का विजन होता है उसको अपना बना लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा विजन क्या है. जो हम देखते चले आ रहे हैं वही लगता है कि अच्छा ये सक्सेस है, तो वही चीज हमें चाहिए. और वो कहाँ से इन्फ्लुएंस क्रीप हो जाता है ना, सबकॉन्शियसली बचपन में कहीं से, विदाउट एनी नोटिस, इट जस्ट क्रीप्स इन टू योर साइकी. एंड व्हेन यू ग्रो अप यू रियलाइज कि भाई ये दिख तो कुछ और रहा था, ये है कुछ और, मतलब ये हो क्या रहा है, यू नो, मिसमैच हो जाता है. एंड देन दैट्स व्हेन यू रियलाइज दैट वाओ. तो हार्वर्ड वॉज नॉट लाइक दैट. हार्वर्ड वॉज एन अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस. आई स्ट्रांगली रिकमेंड किसी को भी, कोई भी मौका मिले 1 week कैंपस पे जाने का, 1 year, 2 year डिग्री, डिप्लोमा, जो भी, मस्ट गो बिकॉज दैट इज अ लर्निंग. इफ यू लाइक लर्निंग, इफ यू आर क्यूरियस, इट इज लाइक द मेका ऑफ लर्निंग एंड क्यूरियोसिटी. सो द हार्वर्ड एक्सपीरियंस जितना भी बिल्डअप किया था वो बिल्डअप सही था बिकॉज वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. बट वट हैपन्स आफ्टर हार्वर्ड, राइट? हार्वर्ड तो चलो पहुंच गए, हार्वर्ड में ग्रेड्स ठीक ठाक आ गए, दोस्त बन गए, नेटवर्क बन गया, बट दैट इज जस्ट यू रियलाइज इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ लाइफ, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिग्री, एमबीए, हार्वर्ड, जो भी, इज जस्ट 1 milestone. यू नो, उस मकाम पे आके यू रियलाइज कि भाई अब कहाँ जाना है, अब यहाँ तक तो आ गए इसके, ये तो योर ओनली इन योर 20s, राइट? बाय द टाइम यू हिट योर एमबीए, यू रियलाइज एट 20 समथिंग दैट भाई ये तो कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अ डिग्री. इसके आगे का कौन सोचेगा, इसके आगे का क्या प्लान है? देन अगेन आई वेंट थ्रू अ डाउन टर्म इन माई लाइफ, यू नो, विच अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे मीट मी दे डोंट रियलाइज कि भाई आपके इतने अप डाउन, यू जस्ट इट लुक्स वेरी ग्लैमरस, यू नो, व्हेन यू एज यू इंट्रोड्यूस, ओ कार्नेगी मेलन, लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बर्कली, हार्वर्ड, ऑल दिस क्रेडेंशियलिंग, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, बट इसके पीछे
बहुत अप डाउन, बहुत अप डाउन. इट्स बीन वेरी. सो यू डिडंट गो बैक टू योर जॉब आफ्टर हार्वर्ड? आई डिड नॉट गो बैक बिकॉज देयर अगेन देयर एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट फ्रॉम ए ऑब्वियसली द फैमिली डीएनए ऑफ बीइंग यू नो एंटरप्रेन्योरियल एज अ मारवाड़ी एंड बी बिकॉज ऑफ 3 years दैट माई बॉस गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू रन द इंडिया ऑफिस. That was very good confidence building for me. Ki I was like, bhai, I can do this. I've already set up an office in India. I've already gone through paperwork, government, red tape. Fund set up karne ke liye itna red tape, itna government bureaucracy. So I was like, koi normal business toh bahut aasani se set up ho jayega. So I was very clear ki business I can now set up. Degree vigri toh ho gayi. Let's say business nahi chala for whatever reason. Degree hai. Degree is like an insurance policy. कभी भी कोई भी जॉब चाहिए तो किसी को बोल रहे भाई हार्वर्ड से एमबीए किया है. आई फेल्ट दैट कॉन्फिडेंस कि आई कैन ऑलवेज गो बैक टू द वर्क स्पेस बिकॉज आई हैड इनफ एक्सपीरियंस एंड आई नाउ हैड दिस डिग्री, गोल्डन डिग्री हाथ में. सो आई वाज लाइक ठीक है, गोल्डन डिग्री को थोड़ा साइड में रखते हैं, लेट मी स्टार्ट माई कंपनी. एंड स्टार्टिंग द कंपनी आई टेल यू इज अ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट थिंग आउट ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड. Very difficult, very challenging, especially when you go to these premium institutions and you're now asked to start your own company where you realize that there is no base to start from. You get a fancy degree, aap consulting mein chale jao, finance mein jao, Amazon pe jao. These companies, they will immediately, you start at a certain level, you'll work in a certain group of people. Khud ki company chalo karne ke liye, once again, I found myself completely at the bottom. Starting. You had the idea for HIV. No, I did not have the idea. So actually what I did is I knew I wanted to be in education because Harvard is really big on impact. Harvard mein leadership sikhate hain, you know, the whole mindset of the university is, yes, please be rich, please be famous, please be successful, but you must have impact. It's a very big on impact kind of university. Ki aap sab kuch kar lo, par aapka kuch na kuch life mein impact hona chahiye. So by the time I finished business school, I was clear that this impact has been missing for very long. It's not happening and I'm not going to be happy now. Kyunki maine sab kuch try kar liya tha by this point. And I was like, now the intersection of the finding my purpose has to be something I like to do, something I'm good at doing, something that makes me money, because without basic financial, it's no fun. Yeah. Passion without monetary gain, it's not for me. Mm-hmm. And then I had to find some purpose. There had to be some impact on somebody else. So these became the four cornerstones of my decision making. Uske liye I was like, I come back to India and I'm trying to figure out kya karun. And this consulting counseling space had always been at the back of my mind, kyunki when I was going to these universities, main aur meri mom sab counselors ke milke aaye the. And when we came back, we realized bhai ye counselors, they're very average, they have less information. Many of them were just sending students to universities jahan unko kuch commission mil raha tha, tie up tha back end wagera. So we quickly realized ki ye counselors theek nahi hai, then we decided to go through the process on our own. Fast forward 15-20 years, I come back to India and I realized ki zyadatar counseling space mein wahi chal raha tha, that gap hadn't been resolved where a high potential, you know, curious good student was getting the right kind of channeling advice to get to where they had. And by this time I had also gone through so much back and forth, up and down, zigzag. Yeah, I was like, bhai, कोई मुझे ठीक तरह से गाइड कर दिया होता तो आई वुड हैव हैड अ मच ईजियर जर्नी, अ मच मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ. और मुझे पहले से समझा दिया होता कि भाई फाइनेंस ऐसा होता है, फैमिली बिजनेस, फैशन, गारमेंट्स ऐसा होता है. सो दैट आई विश आई रियली आई मिस्ड हैविंग दैट कोच और मेंटर फॉर माई सेल्फ, क्योंकि माई पेरेंट्स एज स्वीट एज दे आर, उनको नहीं आइडिया था रे, ये उनका माइंड सेट नहीं था, उनकी स्पेस में ही नहीं था. You know, they were not born and raised like that. Unke exposure hi nahi tha. So, and many families are very much like my parents today, where the family is not exposed, but this child comes along and this child says, bhai, mujhe kuch karna hai. So that child needs that sort of guidance. So ye gap tha hamesha se. I saw that gap even when I came back. But you know, with this pride of Harvard on your head and you say, arre, I have just graduated from the top business school in the world. Main thodi na counselor banungi. Counseling, theek hai, baad mein kar lenge, you know. It doesn't seem so glamorous. It doesn't meet that checkbox that all your other colleagues, sab gaye private equity mein, koi gaya Facebook, koi gaya Apple. You know, they are working in like now the best companies in the world. And I was like, man, I didn't go do all these things to just become a counselor. So again, you know, that societal tag, it did some, wo nahi, kahi baith nahi raha tha. I was like, yaar, itna mehnat karke kya main counseling karungi? Like, it doesn't make sense.
held myself back for a long time. And in all this confusion, I went to Ladakh. One friend of mine said, "Arre, you look damn confused. You leave all this and you let's go to Ladakh. Let's go for 10 days. अपने road trip करके आते हैं. चल लद्दाख चलते हैं. तो हम लोग गए लद्दाख. And in the itinerary, हमने एक night रखा. लद्दाख में monastery है. लामारुयु करके जगह है. लामारुयु monastery में. My friends said, हम monastery में ही ठहरेंगे. Monks के साथ रहेंगे. सर चलो उन्होंने नीचे एक बना रखा था ऐसे बेसिक हॉस्टल बेड्स करके ऊपर मंक्स रहते हैं नीचे हॉस्टल जैसा बना रखा है और डिनर विनर में यू ईट डिनर विद द मंक्स और सुबह मॉर्निंग प्रेयर्स करते हैं सो वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस तो हम गए मंक्स के साथ डिनर खाने रात को उनका घंटी बजता है डोंग एंड द डोंग रिंग्स यू हैव टू गो डाउन टू हैव डिनर एंड देन द मंक्स कम एंड दे स्टार्ट टॉकिंग टू यू एंड दिस एल्डरली मंक केम एंड ही सेड यू नो व्हाट डू यू गाइस डू यू नो दिस ऐसे जस्ट जनरल चिटचैट And I told him that, you know, monk, actually I'm here because मेरा ये dilemma चल रहा है अब करूँ क्या और ये opportunity तो है मेरे head में idea है concept है कि भाई you know I'll help students counsel them and all but somehow वो alignment नहीं बैठ रहा है मेरे head में only I'm not convinced कि ये ही करना है and the monk said you know you have tried so many things do you think this is going to make you happy I said yeah if purely happy he said yeah forget everything else is this going to make you happy I said, of course it's going to make me happy because that purpose of my life is still feeling somewhere unresolved. Everything I have done has had no impact on anyone. This, yes, will make me happy. I don't know about everything else. So he said, okay, I ask you a simple question. If it makes you happy, you must follow your heart and do what your heart tells you. It's just a very different paradigm. We are the people who think from the brain. In universities, only the brain develops. The heart doesn't develop. The heart doesn't come to the heart. Monk says, leave everything. Stop thinking with your head, think from the heart. If the heart says happy, go for it. Said, bhai, ye kya bol raha hai? Heart se socho. What happened to all my practicality, Marwadi, this, that, Harvard, ye, BlackRock, sab chhod chhad ke, main counselor ban jaungi kya? But something hit me about what the monk said. Something about that space, spirituality, Buddhism, pata nahi, and that monk in his robes and the simplicity of the monastery. All, I don't know, it was, pata nahi, kya hua udhar? And I told my friend ki, bhai, Let's finish this holiday, we go back, I'm going to start my company. And that's what I did. I finished this Ladakh trip, I came back to India, I started looking for domain name, .com dhunda, kisi ne mujhe bola, bhai .com hi lena, .in mat lena, some base level advice I got. Hmm. I went to this Big Daddy website, found my .com, ek laptop tha haad mein aur wo tha. Aur is time, by this time I had no money also, you know, kyunki jo bhi maine savings ki thi, finance mein maine achhe paise kamaye the. Because as you know, finance mein paise ban jate hain. But I had put all that money towards my Harvard education because education was always big on because education for me was a means to financial independence. I knew ki bhai degree degree le lo, iska kuch to end result will be positive. So I had invested all my savings in my Harvard MBA. So now I come back, I have no money. Again, people have this image that, oh, you're a Harvard MBA, this, that. I'm like, man, I'm Harvard MBA, but I'm broke. I have no money. I don't know where I'm going with my life. Like, There's an exterior and then there's an interior, you know, because you said on the podcast introduction that let's tell you things that, you know, you probably wouldn't know. So this was the reality. I'm just opening everything today to you. So that was it. I started the company with no money, no idea where I'm going. Very small one person business. Within a few months, I hired one more person. My mama gave me a space in his office saying, bhai, you sit here. They thought, you know, 5-6 mahine ka iska experiment hai, isko de dete hai cabin. And finally, she'll get bored and she'll get fed up, realize ki ye bahut chhota mota hai, wo chali jayegi kuch. She'll get a job in some big MNC because Harvard ke baad everyone thinks she'll work in a larger corporate setup. Yeah. Mama was also sweet. Mama realized nahi kiya ki bhai 6 saal tak hum unki wohi cabin lekar baithenge, kabza kar liya. The business, I tell you, once I started working with students and I realized the impact it was having. And in the beginning, the money wasn't there. The money comes later. But the money comes. It's not like the money didn't come. Abhi finance ka mukabla to nahi ho sakta as a consultant counselor. If I had stayed in finance by now, I would have retired, had one home in France, one in Italy. Wo nahi hai, wo theek hai. You know, because I'm much, much happier doing what I do right now. And I had tried all that. So, कोई regret भी नहीं है life में कि भाई आपने वो देखा नहीं तो on what basis are you talking? I'm very glad I went through these distinct experiences. क्योंकि आज मैं यहाँ बैठी हूँ, I'm talking to you so much at ease and so much at in my element. क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं been there, done that. मैं खुद देखकर सोचकर फिर मैंने वो decision लिया था. It wasn't imposed upon me by anybody. And I've gone through each experience
learning from each one. So that's where we are. So that's where I am today. ओके सो आपने इतने सारे चेंजेस किए और आपने बताया भी कि पहले ये ट्राई किया, फिर उसके बाद लगा कि ये नहीं करना है, तुरंत आपने 6 महीने की एकदम हाई पेइंग जॉब भी छोड़ दी, फिर इंडिया आके आपने दूसरा किया, फिर आप हार्वर्ड चले गए, फिर आप एक मोनेस्ट्री चले गए. तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या बोलते हैं, कई बार मूवीज़ में भी दिखाई जाती हैं कि अपने आप को पाना है तो लोग नहीं किसी छोटी कंट्री में चले जाते हैं, इंडिया आ जाते हैं, ईट प्रे लव टाइप. तो क्या माइंडसेट था आपका कि नहीं मुझे ये भी नहीं करना, जैसे आपने बोला भी कि आपको फुलफिलमेंट नहीं आ रहा था या आपको पर्पस नहीं आ रहा था, बट यू ऑल्सो डिड नॉट नो कि पर्पस क्या है. तो वॉट एग्जैक्टली वॉज गोइंग इन योर हेड, अगर हम जो फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है उसकी बात ना करें, आपके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा था उस वक्त? दिमाग में यही चल रहा था कि भाई आई हैड बिल्ट अप न्यूयॉर्क टू बी समथिंग एंड इट वॉज इन दैट. सो देन यू रियलाइज कि भाई ये जो सक्सेस का डेफिनेशन जो मैंने खुद बना रखा है बेसिस वॉट एवर इन्फ्लुएंस, फाइनल इमेज तो मेरा ही था, राइट? आई हैड टू ओन दैट डिसीजन एंड रियलाइज दैट देयर हैड बीन समथिंग रॉन्ग इन माई विजनिंग. वो नहीं था वॉट इट हैड, व्हाट आई हैड बिल्ट इट अप टू एंड व्हाट द रियलिटी वॉज वेरी डिफरेंट. एंड आई रियलाइज ऑल्सो एज आई वॉज गोइंग थ्रू दीज एक्सपीरियंसिस कि आई एम नॉट हैप्पी, यू नो. ठीक है, बाहर से लगता है वाओ यू वर्क इन न्यूयॉर्क, अपार्टमेंट है, ये वो, बट इनसाइड ओनली यू नो ना, ओनली देयर इज नोबडी एल्स हु कैन टेल व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड ऑफ यू. इनसाइड आई रियलाइज आई वॉज नॉट हैप्पी. आई वुड गो डू द जॉब, फाइन, ओके, बॉस इज हैप्पी, आई एम हैप्पी, एवरीथिंग, बट दैट सेटिस्फैक्शन वॉजंट कमिंग थ्रू. So that was the missing piece I was searching. And honestly, मैंने ये reach IV तब नहीं किया. That's why that monk helped me, because I felt like यार इसमें purpose तो मिल जाएगा, impact तो हो जाएगा, because obviously I'm channeling whatever I have been given from so many universities to other people. ठीक है, impact तो हो जाएगा. But I was like money नहीं आएगा, success नहीं होगा, then I'll be unhappy again. तो ये perfect intersection कहाँ से मिलेगा? Is there a perfect intersection where you can find a balance of all? वो ही मेरा हेजिटेशन था बिफोर आई वाज स्टार्टिंग दिस काउंसलिंग थिंग, बिकॉज एनीवन स्टार्टिंग समथिंग न्यू, यू नो, एवरीबडी वांट्स इट ऑल, राइट? वी ऑल लिटिल बिट ग्रीडी, लाइक हाँ यार फेम भी होना चाहिए, सक्सेस में इम्पैक्ट भी होना चाहिए, मेरे मतलब का भी होना चाहिए, आई शुड बी गुड एट डूइंग दिस ऑल्सो, यू नो, लाइक आई लव पेंटिंग, आई लव आर्ट, बट आई एम नॉट गुड एट इट. सो आई वाज लाइक भाई आई एम इंटरेस्टेड इन आर्टिस्ट, बट इफ यू आस्क मी टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन इवन, वो ऐसा थोड़ा जिगजैग करके बैठेगा, यू नो, क्योंकि मेरा एबिलिटी नहीं है. तो purpose and you know it has to be everything, you find a combination of something that you really like to do, something that you're really good at doing, and something that is giving you some money, and something that, you know, there are all sorts of elements. So ye elements ka intersection dhoondna. How did you find that combination? Agar maan lo koi aaj hai kisi life ki ek aisi stage pe ki us wo ek achhi job mein hai lekin usko acha nahi lag raha hai, ya fir maybe wo kahin koi student hai, wo padhai kar raha hai, unko nahi samajh mein aa raha hai ki unko iske baad kya karna hai, तो ये जो इंटरसेक्शन है या जो हमारा कॉलिंग है, इसको हम कैसे फिगर आउट करें? आपने क्या स्टेप्स लिए कि आपको कैसे पता चला कि हाँ यही करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, ऑनेस्टली व्हाट आई रियली मिस्ड, व्हिच इज व्हाई आई रन रीच आईवी टुडे, इज आई रियलाइज दैट आई नीडेड अ कोच और अ मेंटोर और अ गाइड. नाउ इट दैट मेंटोर और कोच कुड बी समवन फ्रॉम योर स्कूल हु सेज, यू नो, भाई आई विल कोच यू. इट कुड बी एन ओल्डर सिबलिंग, इट कुड बी सम आंट अंकल. Or if none of these elements exist in your life, then you go hire professional coaching, because a professional coach knows how to talk to you, understand likes, dislikes, strengths, etc. That's what we do, right? As an external third party, hamara kuch matlab nahi hai. Like if I talk to you, I have no agenda, no incentive ki bhai main Maitri ko usme ghuma leti hu, usko is direction mein. As a parent, wo bias rehta hai, huh? As a parent, as much as the parent says ki ha ha, we isko jo karna hai wo karegi, we'll be happy, we'll bless her. Somewhere there is obviously a hidden bias ki bhai ye kar kya rahi hai, samne se bol rahe hain kuch bhi, but parents ka rehta hi hai, you know, aur mother father ka alag chalta hai, father kuch bol rahe hain, mother kuch bol rahe hain. So as good as parents are and well wishing, obviously each parent comes with a bias, but a third party coach, mujhe aapse kuch lena dena nahi hai, right? My only agenda and incentive when I talk to you is like isko kya karna hai and how do I just get her on the right path. So finding a professional coach, very helpful, unless you have some other influence in your life. Second thing is, as I told you, मैंने बहुत experiment किया यार, मैंने बहुत चीज़ें की. What I told you was 4-5 things. मैंने बीच में एक restaurant में काम किया था, because कहीं मेरे mind में था कि अरे यार I'll start my own restaurant. So I had gone, Chembur में एक restaurant है Bombay में, and I went about 10 nights, night shift. I used to work my day job,
बाई 8:30 टू रीच द रेस्टोरेंट, 2 इन द मॉर्निंग मैनेजर लॉकअप करता था, मैं मैनेजर के साथ निकल जाती थी बिकॉज आई टोल्ड माई पेरेंट्स की भाई मुझे रेस्टोरेंट दे से, अरे तुम जाके देख कर आओ क्या है, 10 दिन काम किया 10 दिन बाद आ जाए, समझ आ गया ये नहीं करना है, ये नहीं करना है क्योंकि वीकेंड्स और नाइट्स पे रेस्टोरेंट्स चलते हैं, वीकेंड्स एंड नाइट्स इज द मेन बिजनेस फॉर रेस्टोरेंट, वीकेंड नाइट आई वाज लाइक भाई मुझे आई नीड टू बी विद माय फ्रेंड्स, गो टू द मूवीज, दिस डजंट फिट विद माय लाइफस्टाइल, वो ट्राई किया, फिर आई हैड दिस बॉलीवुड कीड़ा, आई वाज लाइक लेट मी ट्राई वर्किंग इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी, सो आई स्पेंट 3-4 months वर्किंग ऑन बॉलीवुड मर्चेंडाइज इन अ लार्ज कॉर्पोरेट, वो देखकर आई रियलाइज कि भाई ये बॉलीवुड कॉर्पोरेट्स, बॉलीवुड सेक्टर ही कुछ अलग ही चल रहा है, प्रोफेशनलिज्म, स्पीड ऑफ वर्किंग, लाइफ वेरी वेरी डिफरेंट, सो आई वेंट थ्रू दैट एक्सपीरियंस, देन आई वर्क विद अ लग्जरी गोल्ड लग्जरी काउंसिल, इट वॉज कॉल्ड द गोल्ड लग्जरी काउंसिल, दे वर रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स ब्रिंगिंग देम टू इंडिया, सो इट वॉज लाइक PR एंड इवेंट्स मैनेजमेंट, सो आई ट्राइड माई हैंड्स ऑन दैट, सो जो भी मेरे बचपन के वो थे ना कि भाई this sector, you're made for events, you're made for PR, you're made for media, you're made for finance, wo sab maine dekh liya tha, and I actually realized very quickly that I'm not made for these things, you know, I only got to know the thing when I actually did them, so for anyone aap pooch rahe hain ki kaise maloom karna, the only way to know is by doing, if you go to a theoretical class mein baith ke ki bhai, like a lot of my students will say ma'am I'm very good at English, so I want to become a lawyer, iska theek hai, you're good in English, but there is no direct correlation between how you're in a classroom versus what that field of law has to offer, so if you really want to discover, then you must experiment by doing, and only in doing you will really find out, of course the classroom training is very important because classroom will give you theory and base, but you go through a process of self discovery only by actually putting yourself in different situations and by also observing others. I spend a lot of time, mein bahut conferences mein jaati hai, to keep attending, even now I try to attend as much as I can, see what other speakers are saying, because as one person main kitne experiences kar lungi yaar, I put myself in many experiences, but like listening to your podcast, right, different people talking and sharing their experiences, sitting in the comfort of my house, I can hear all of Little Fix's podcast and say, oh wow, unka ye learning tha. So you learn from other people's life experiences also, very important. And you surround yourself with a network of well-intentioned people who are also doing good things in different spheres. So wo bhi maine bahut kiya tha. I always keep myself surrounded by high-achieving individuals. Koi alag-alag type ke logon ko main surround karke rakhti hu. And I have a lot of coaches. Abhi, before recording this podcast, I just finished. I play table tennis. I have a table tennis coach, वो हफ्ते में दो बार आते हैं, उसके पहले योगा सर आए थे थ्री टाइम्स अ वीक, एंड आई एम लर्निंग योगा एंड टी टी फ्रॉम देम, बट ऑनेस्टली आई एम लर्निंग मच मोर, यू नो वो क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, कैसे समझा रहे हैं, बिकॉज एज अ काउंसलर आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू पिक अप फ्रॉम द सर की भाई वो कैसे समझा रहे हैं, क्या टेक्निक बताते हैं, हाउ डू दे अंडरस्टैंड योर फ्लॉज, योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस, एंड आई टेक दैट इन टू माई काउंसलिंग टू माई स्टूडेंट्स, यू नो, बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल टीचर्स एंड वी आर ट्राइंग टू गिव समथिंग टू दीज स्टूडेंट्स. So you have to also have that mindset. You know? You are saying ki keep learning and also keep going out of your comfort zone. और एक चीज मुझे और आपसे समझ में आई कि आपकी चाहे आईवी लीग एजुकेशन हो, कहीं की भी एजुकेशन हो, बट यू नेवर थॉट कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है. जैसे आपके दिमाग में भले ही था कि वो ग्लैमरस वाला काम करना है, बट स्टिल यू ट्राइड एवरीथिंग. ऐसा आपने नहीं किया कि नहीं ये तो छोटा काम है मुझे करना ही नहीं है, एंड फाइनली जो आपको लगता था कि काउंसलर नहीं बनना है, यू बिकेम अ काउंसलर. बड़ा छोटा आई रियलाइज ऑनेस्टली बड़ा छोटा कुछ होता नहीं है, और आई एम सो हैप्पी कि मैंने वो सारे काम किए, बिकॉज ऑब्वियसली टुडे आफ्टर 12 इयर्स आई हैव अ टीम, बहुत आई हैव अ फुल सेटअप वर्किंग विथ मी, जिनका भी लोएस्ट लेवल का काम है मैंने उनका, मैंने प्यून का काम भी किया है, जब वो प्यून बैंक जाते हैं पेपर वेपर फाइल करने, वो एक घंटे बाद ऐसे भाई तुम कर क्या रहे थे, एक घंटे बाद आए ऐसे मैम, ऐसे भाई मैंने सब किया हुआ है यार, मैंने पेपर भी फाइल किए हुए हैं, तो बिकॉज यू नो द वर्क यू बिकम अ गुड मैनेजर. So management comes from bottom to top, you know. You should always start at the bottom and work your way up. If you have सब किया है तो वो भले ही उस वक्त आपको लग रहा होगा कि अरे मैं क्या कर रही हूँ, जैसे you said कि जो आपने इंडिया में ऑफिस सेटअप किया हेज फंड का, तो आपने सब कुछ किया और वो लर्निंग जो है आई थिंक कभी बेकार नहीं जाती है. कभी बेकार नहीं, इट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑनेस्टली. व्हेन आई हैड टू कम बैक एंड स्टार्ट माई ओन कंपनी, आई सेड यार मुझसे हो जाएगा, मैंने ये तो मैंने किया, ये तो अपने मतलब I've already gone through the learning curve.
I'm very happy that somebody had given me that opportunity pehle, but I'm also glad I took that opportunity, you know. So people listening should understand that opportunities are around, you know. You have to keep your eyes on them and you have to grab them instead of saying, I don't want to do, I don't want to do that. I'm finding the millennials very like, they're putting these blocks against them. I don't know what they're learning in school or what the influences are. It's very like, oh no, this is my space, and within my space, I'm happy to operate. I want to just share that, just break open, break those shambles. They are largely self-created. Unless you break open from those now, the success and learning will not come to you. You're surrounded yourself with a boundary. You break karna hi padega. You have to break open. Karna hi padega. Sahi baat hai. Toh, you did a lot of different things. Or success instant nahi hoti hai kabhi bhi. Jaise aapne Reach IV bhi start kiya hoga, toh aapne chote level se start kiya. And dheere dheere you took it to where it is today. And I'm sure you want to grow it even more. Har koi hamesha grow karte rehna chahta hai. तो जब हमारे पास सक्सेस होती है और कई बार फेलियर्स होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो हाउ डू यू कीप गोइंग? या आई मीन आई हैव गॉन थ्रू, एज आई शेयर शेयर्ड विद यू, सो मेनी हाइज एंड लोज दैट आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू. द देयर इज इननेट ड्राइव, यू नो, वो ड्राइव कभी ख़त्म नहीं होती है. वो ड्राइव कीप्स मी गोइंग. द ड्राइव इज ऑलवेज टू डू बेटर, टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. And it's the same things I wanted, right? I wanted wealth, fame, success, impact. So these things are infinite. You'll never reach a point where you say that, you know, there's no level. Koi aisa threshold nahi hota hai ki bhai yes yahan pahunch gaye to ho gaya. Fame, success, these are all infinite, right? So aap infinity ke liye jaoge to you'll never reach there. You know, like when I practice yoga, sir, I say, sir, baitha kya sir, aaj shirshasan baitha theek thaak? Haan theek thaak, waise perfect tha sir. परफेक्ट होता ही नहीं है शीर्षासन, किसी का आज तक हुआ ही नहीं है परफेक्ट. देयर इज नो ड्राइव, यू कैन नॉट हैव अ परफेक्ट शीर्षासन बिकॉज़ देयर सम लिटिल मिली अलाइनमेंट विल बी ऑफ, यू नो. तो व्हेन यू रियलाइज, यू नो, कि ड्राइव ही है आप कर रहे हो, व्हेन यू हैव, देयर हैज टू कम फ्रॉम सम स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज नो परफेक्ट. यू हैव टू कीप वर्किंग टुवर्ड्स व्हाटएवर दैट इन्फिनिटी इज. सो यू, आई जस्ट, आई हैव दैट सॉर्ट ऑफ ड्राइव इन मी कि भाई whatever it is, high, low, whatever, you keep pushing yourself and I just move on. I don't take the failure, setback so seriously. I just say, okay, theek hai, I have to get out of this spot and I keep moving on. So my drive, it holds me in a very good place. And I do a lot of extracurricular, no? So usme extracurricular seekhne mein challenges, uska training practice, usme bahut sara, there's a nice distraction to my work life. So that also keeps me going, honestly. ओके, सो ये जो आपकी ड्राइव है, तो आई कैन आई से दैट यू आर सेल्फ ड्रिवन रादर देन आपका मोटिवेशन कहीं और से आ रहा है? हाँ, सेल्फ ड्राइव ही होता है. सेल्फ ड्राइव इज द राइट ड्राइव, यू नो, मोटिवेटिंग बिकॉज पेरेंट्स पुश कर रहे हैं, सिबलिंग का, बेस्ट फ्रेंड का, दैट इवेंचुअली दैट विल फिजल आउट समवेयर, यू नो. इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. मे बी आई स्टार्टेड आउट, एज आई सेड, बिकॉज आई वॉज द थर्ड चाइल्ड, इनिशियल ड्राइव केम फ्रॉम जस्ट सेइंग, अरे यार, I also want a voice in the room. I don't want to be the third child ki bhai mujhe theek hai aap, because the importance isn't given, you know, what importance you wanted is not there. So maybe it came from there, you know. That's what I've tried to identify in my sessions and all, ki bhai some psychological thing ki, you know, you want that importance. But the drive, the ideal drive is that it comes from within you. Of course, as parents, you must try to encourage and inculcate that drive, but it's something that you, the child has to have, finally it has to come from within. It cannot come from exterior sources. It can be pushed from different ways till that drive, internal drive comes. That's what the parents do, that's what teachers do, that's what coaches do. They try to push you, and that point comes in everyone's life where they say, huh, okay, now I found my drive. You know, finding point wo bahut zaruri hai, wo tipping point aata hai, sabka aata hai. Yes. Young age mein aa jata hai, kisi ka baad mein aata hai, par aata to hai yaar. और आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे, पेरेंट्स आते होंगे, और कई बार ऐसा भी होता होगा कि पेरेंट्स वांट समथिंग एल्स फॉर देयर चाइल्ड, द किड वांट समथिंग एल्स फॉर देमसेल्व्स, फिर उसके बाद में भी आप पिक्चर में आते हो और आप कुछ थर्ड ही सजेस्ट कर देते हो कि जो आप बोल रहे हो ये आप बोल रहे हो. तो ऐसा जो ये चीज़ होती है ऐसी सिचुएशन में कि जब सब लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या कई बार होता होगा कि मे बी किसी एक का सही भी हो, तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करते हो और क्या सजेस्ट करते हो इन लोगों को? It happens all the time. It happens every day. Like it happened last evening. कल रात को मेरे रूम में मॉम, डैड और चाइल्ड बैठे हुए थे. दिस इज नॉर्मल. लाइक
mother has her opinion, father says something. What I try to do in the session is I try less to give my personal opinion. I listen a lot. Counselor ka job, coach ka job, honestly, is to I ask a lot of questions and then I leave the room. And a lot of times the mother, father will discover things about the child. Like last time the mother said, but Veer, you never told us. How come you didn't tell us? And in my head, I was thinking, because you probably didn't ask him. You know, all I'm doing is I'm giving the child a platform and a voice. And in the sessions, I'm very clear that this session is between me and the child. And parents, aap log ho room mein, aapko kuch poochna ho, kuch suggestion dena ho, please feel free. But this is about the child. This is not about the parents. So when we make the child the center of the conversation, child ko bhi lagta hai, yaar, counselor to meri sun raha hai, mom dad ki nahi sun raha hai, meri sun. The child bolne lagta hai. And I'll always try to give my suggestions and give my opinions basis what the child says. Main child ko central bana deti hu. Usse uska jo bojh hai, wo halka bhi ho jata hai aur actually subconsciously bad bhi jata hai because he feels like, oh, she's listening to me, so I feel really good. But actually, I'm telling him that, boss, abhi decision making aapka hai. तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना इन डिसीजंस के वो भी आपके ही. सो द पेरेंट्स दे वन और टू सेशंस में वो समझ आते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी यही डिसाइड करेगा और यही भुगतेगा. जैसे जब भी मैट में गीत ने बोला था ना कि अपने सारे डिसीजंस मैं खुद लेती हूँ, जिससे मैं कभी किसी और से ना कहूँ कि तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी, समथिंग लाइक दैट. इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट. एंड वी ट्राई टू एम्पावर द चिल्ड्रन. एंड पेरेंट्स फर्स्ट सेशन में ये क्या कर रहे हैं यार, बच्चा है, इसको कुछ पता नहीं है, काउंसलर बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है. एंड देन दे क्विकली रियलाइज कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है. द मिनट द लोड इज ऑन योर ओन शोल्डर्स, दैट्स हाउ यू बिल्ड ड्राइव. बच्चे आते हैं शुरू में, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो टू डू, तो हम धीरे धीरे वी गेट देम टू फाइंड, गो थ्रू दीज एक्सपीरियंसेस, आस्क क्वेश्चंस, मीट विद डिफरेंट पीपल. वी गो थ्रू अ होल जर्नी, बट द चाइल्ड हैज टू गो थ्रू द जर्नी देमसेल्व्स, सो दे कम आउट एम्पावर्ड. एंड देन दे कम आउट सेइंग, I know what I want to do. You know, that I is very important. So that's what hum try karte hain session mein. Ki ye mom dad hai. I was like, ki main to bhai counselor hoon. Mujhe kuch lena dena hai nahi. I'm a third party. I'll be your friend. Kuch batana hai, share karo. But these are not my decisions. And this is not my life. Mujhe kuch farak nahi padta hai. Aap Harvard jao, ya St. Xavier's jao, ya jao hi mat college. This is about you. You know? Yeah. True. The minute you make somebody else responsible, you see a bahut shift ho jata hai. Pura mind shift ho jata hai. Yeah, I agree. See, now that I'm talking to you, Vibha, मुझे लग रहा है कि काश मेरे पास भी लाइफ में ऐसा कोई होता. मेरे साथ भी यही था कि पेरेंट्स ने बोला कि साइंस पढ़ना है, क्योंकि जो बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने में वो साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस पढ़ो. मैंने साइंस पढ़ लिया, MSc कर लिया, और माइक्रोबायोलॉजी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, तो मैंने कर लिया. फिर उन्होंने कहा कि बिकॉज पापा बैंक में है, तुम्हें भी बैंक में जाना. आई वॉज द एल्डेस्ट डॉटर, तो बेटा तुम बैंक में चली जाओ. मैं बैंक में चली गई, और जैसे ही लाइक आई वेंट इन द बैंक, आई वॉज हॉरिबल भी नहीं कह सकते, आई डोंट नो क्या सिचुएशन थी मेरी. आई वॉज जस्ट वर्किंग, क्योंकि भाई मम्मी पापा ने बोला है जॉब लग गई है, वो भी सरकारी नौकरी है, तो आपको करना है. तो आई वॉज डूइंग इट. और जब उसके बाद मेरी शादी हुई एंड आई केम विद माई हस्बैंड, तो ये था कि भाई ट्रांसफर हो जाएगा, आराम से करते रहना, जॉब कोई टेंशन नहीं होती, सरकारी नौकरी आराम से करना, पूरी लाइफ तुम्हारी सेट है, तुम्हारे रिटायरमेंट बेनिफिट सब कुछ मिलेगा. देन विद इन अ फ्यू मंथ्स मैंने अपने हस्बैंड से बोला, देखो मुझे रिजाइन करना है. Wow. I did not tell my parents, and I told him ki dekho mere parents ko mat batana, and he was also very supportive. Matlab unhone bola ki theek hai bhai tumhe acha nahi lag raha hai, kehne ko to theek hai safe hai job sab kuch hai, but agar tumhe acha nahi lag raha hai to I can't say ki tum karo. तो मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया. जब पेपर डाल दिए, एक महीने का नोटिस पीरियड होता था, 15-20 दिन बाद बताया कि मैंने रिजाइन कर दी. Wow. So it was shocking for them, but उसके बाद से मैंने जो भी किया, that was the ईयर 2011, एंड ऑफ 2011, और उसके बाद 2012 से मैंने जो भी किया, आई थिंक आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. मैंने सोशल मीडिया मैनेजर का काम स्टार्ट किया, वो मैं अभी भी कर रही हूँ, या फिर मैंने चार साल पहले ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया, तो खुद स्टार्ट किया. और जो ड्राइव मैंने अपने आप में उसके बाद देखी है, जब मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, माई डॉटर वॉज ओनली 2, आई वॉज इन जयपुर, बहुत ज्यादा सर्दी थी, मैं उसको 9 बजे सुला देती थी, और रात में 1-2 बजे तक ओवर कोट और पता नहीं क्या क्या ग्लव्स पहन के मैं लगी रहती थी पॉडकास्ट में. तो नाउ व्हेन आई लुक बैक ना, तो समझ में आता है कि जो अंदर से पैशन आती है, जो आपकी कॉलिंग है, जब वो अलाइन होती है आपके वर्क से, तो कैसा लगता है. और जब आप उस चीज में नहीं होते, जैसे जब मैं बैंक में थी, बेमन से काम करना, वो कैसा लगता है.
तो आई कम्प्लीटली अग्री विद यू एंड आई सी माई सेल्फ इन योर एक्सपीरियंस ऑल्सो, एंड आई एम श्योर कि जो बहुत सारे लिसनर्स हैं लिटिल फिक्सेस के, वो भी देख पा रहे होंगे आपके एक्सपीरियंसेस में अपने आप को. बट आपने देखा वो शिफ्ट तभी आया व्हेन द डिसीजन बिकेम योर्स, और वो मॉम डैड का डिसीजन नहीं था, यू नो. देन पेरेंट्स नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि इवेंचुअली द डिसीजन हैज टू कम फ्रॉम द चाइल्ड. वो भले 15 साल की उम्र में आए, 20 में आए, 25, व्हाटएवर, द अर्लियर यू मेक द चिल्ड्रन डिसाइड फॉर देमसेल्व्स द बेटर इट इज, बिकॉज द शिफ्ट हैपेंस, राइट? द लोड इज ऑन द चाइल्ड नाउ, नॉट ऑन द पेरेंट्स. एंड एक्चुअली इट्स रियली गुड फॉर द पेरेंट्स, दे कैन से भाई आप करो, आपको जो करना है आप करो. You know, the minute you said, मैं अभी decision ले रही हूँ, social media manager बन जाऊंगी, parents also, you know, उनका जो concept है, it's the same definition of success, which all of us have, some strange definition of success. That definition of success is so personal. For you, definition of success is your independent venture, your podcast, your ability to impact so many people through your platform. It's also you, that's your calling, right? You have found your purpose through your decision making. You're absolutely a role model for me also, because exactly what I try to tell people, like, you find your own path and you do it through a series of actions and inactions, and you realize that, okay, this is it, ye mil gaya mujhe. You'll find it, but you have to go out of the house and try to find it. If you sit and just try to ponder over it, wo nahi milega. तो विभा, अब लिटिल फिक्सेस में हमारा एक सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं सैस इट अप, जिसमें मैं अपने गेस्ट से एक सैसी रिस्पॉन्स मांगती हूँ एक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर. तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम लोगों ने पैसे की बात भी करी और अपनी कॉलिंग की बात भी करी, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कॉलिंग वॉलिंग अपनी जगह है, कि जैसे मुझसे अभी भी बोला जाता है कि जब मैंने काम छोड़ दिया था तो तुम्हें क्या पैसे मिलते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट करके जब मैंने स्टार्ट किया था, और क्या तुम्हारी फ्यूचर की गारंटी है, बैंकिंग में सब कुछ था. तो मनी अपनी जगह है और कॉलिंग अपनी जगह है, कॉलिंग सिर्फ प्रिविलेज लोगों के लिए है, ऐसा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग. तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या सैसी कमबैक है? नो, आई मीन, इट्स दे आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, टिल सर्टेन पॉइंट, एंड दैट सर्टेन पॉइंट इज ट्रू फॉर यू, हैव टू डिफाइन योर ओन पॉइंट. एक पॉइंट तक मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एग्री विद दीस पीपल यू आर टॉकिंग अबाउट. And that point you should let the individual decide. कि भाई मेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए है, 10 लाख है, 1 करोड़, जो भी, वट एवर योर कम्फर्ट स्पॉट इज. आई ऑलवेज टेल पीपल कि भाई आप पहले कम्फर्ट स्पॉट ढूंढ लो, ताकि वो कम्फर्ट स्पॉट आपके बैंक में है. बिकॉज इफ यू डोंट हैव दैट कम्फर्ट स्पॉट ना, ये जो कॉलिंग वगैरह है, यू आर गोइंग टू फाइंड, यूल फाइंड योर कॉलिंग इन दैट. मे बी यू फाउंड योर कॉलिंग थ्रू द पॉडकास्ट एंड ऑल दैट, बट इफ द मनी कम्पोनेंट इज नॉट देयर एट सम पॉइंट, it will happen. And I'm a practical person. Ye purpose, passion, vagera is all correct. But money is also, it's very much in my paradigm. When the money is not there, then you're going to be in a situation where you'll say, listen, everything great, which is why I told you, na, my hesitation, wo monk to bol rahe ki bhai aap heart se kaam le lo. I'm like, bhai paise kahan milenge? Aur itna Harvard mein invest kiya hai, is there a correlation between that investment and being a counselor kind of investment? So it is a valid point. Lot of these young engineers and all say, "Arey, I've graduated from IIT. I'm doing my startup." Say, "Bhai, tere paas paise hai, bank mein kuch hai, kuch backup hai." Because a lot of times they'll crumble, or they'll take decisions in their careers which are now suddenly they say, "Oh, either we hit these numbers by in the next 6 months, or we'll have to fold up the startup." That's why 99% of startups fail, because the decision making is now driven by like, "Arey, yaar, nahi karenge to 6 mahine mein company band ho jayegi, paise nahi aa rahe haath mein." That should not be a constraint, you know. So that is a very, like, the reason I could do Reach IV so comfortably is because, as I told you, I came back to India. I was staying with my parents. So mujhe ko rent went nahi dena tha Bombay mein, you know. So that was my lucky privilege that I could stay at home and work out of home. I told you my mama gave me his office space. He gave me a cabin. So at least I had a cabin to work with. Aur laptop, to chalo laptop aajkal sabke paas hai. That's all I needed. So. The money was not a decision-making criteria because mera office space sort out ho gaya, ghar ka sort out ho gaya. So each individual has to figure out ki bhai, aapko rehne ke liye kya chahiye. As long as you have a home, you have basics are set up, phir aap calling ke peeche zarur jaiye. But until your fundamental, very, very primitive needs are not met, I would say first fix your needs. You know, it's the little fixes that matter. अग्री विद यू. इनफैक्ट मैंने अपने एक एपिसोड में भी यही बोला था कि मुझसे कुछ लोगों ने बोला भी कि हाँ यू से कि तुमने ये जॉब छोड़ दिया और ये कर लिया, बट ऑल्सो लुक
कि यू हैड द प्रिविलेज टू फॉल ऑन योर हस्बैंड, कि हाँ चलो आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट कर सकता है, एंड यू ऑल्सो हैड अ सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, कि दोनों चीज़ें थी आपके पास तो आप कर पाए. एंड आई एग्री विद दैट कि हाँ मेरे पास था इसलिए मैं कर पाई, तो इट वॉज अ प्रिविलेज. एंड आई वुड ऑल्सो एड कि अगर आपके पास कोई प्रिविलेज है तो प्लीज़ यूज इट. मतलब डोंट शाय अवे कि अरे नहीं मैं अपने हस्बैंड से पैसे नहीं ले सकती, मैं डिपेंडेंट नहीं हो सकती. तो आई थिंक जैसे आपने भी बोला कि आप अपने पेरेंट्स के पास चले गए रहने लगे, या आपने अपने मामा जी से ऑफिस स्पेस ले लिया, तो आई थिंक अगर आपके पास कुछ है, जो भी अपॉर्चुनिटी है किसी भी तरीके की है, तो उसको यूज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज, वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क. इट्स नॉट लाइक माई मामा जी केम टू मी एंड सेड बेटा ऑफिस है ले लो. नोबडी हैज एवर इन माई लाइफ एवर कम टू मी एंड सेड भाई ये ले लो प्लेटर पे आपको हार्वर्ड MBA दे देते हैं, आपको ब्लैक रॉक में जॉब मिल. Everything has been a very, very, very deep struggle and a lot of effort. बाहर से लगता है कि यार इसकी लाइफ तो बहुत ईजी है, इसका तो सब सेट है, सब डिग्री विग्री है, जॉब्स है, बट इट्स रियली रियली बिन टफ. एंड आस्किंग इज नॉट ईजी, यू नो, बट अनलेस यू आस्क द आंसर इज नो, यू हैव टू आस्क. एंड दिस आई फाइंड स्पेशली वुमेन दे आर नॉट कंफर्टेबल आस्किंग विद मेन. आई सी दैट दे स्टिल आस्क, कैजुअली पूछ लेंगे ओवर अ ड्रिंक, दे आस्क देयर बॉडीज, यू नो, मेन हैव देयर वे ऑफ आस्किंग. And men also actually given get offered, अरे bro I have this, why don't you do this? मम्मी पापा बोल देंगे अपनी ऑफिस पड़ी है इधर, अपना एक ये रखा था. गर्ल्स को इतना मैंने नहीं सुने कि मॉम डैड बोलेंगे कि भाई अपनी ये छोटी सी ऑफिस है आप ले लो बेटा आप कर लो. आई डोंट सी दैट, यू नो दैट इन द सोसाइटी इवन टुडे टू बी ऑनेस्ट, जितना भी हम वुमेन्स लिबरेशन फेमिनिज्म बोल रहे हैं, देर इज स्टिल लाइक यार इसको बॉयज को सेट करना है, गर्ल्स को देर स्टिल ओके ठीक है आपको करना है आप कर लो, देर इज नो रियल पुश सो मच बाय एंड लार्ज. When women must ask. If women ask, then you will receive, and maybe you will get refused 5 times, but the 6th, 7th time you will learn also how to tactfully ask. You know, so please, I completely agree with what you're saying. Yeah. Use everything. Not be afraid of rejection. As yeah, धीरे धीरे ही आती है. I think उस तरीके की resilience हमारे पास. धीरे धीरे बढ़ती है, and धीरे धीरे tact भी बढ़ता है ना. पहली बार आप पूछोगे तो भाई तुम कैसे पूछो, ऐसे पूछोगे तो नहीं मिलने वाले. Then you change your style and we are very smart now. वो तो हम सीख लेते हैं very quickly. Yeah. And Vibha, are you a reader? Yeah, of course I'm a reader. I'm an author. I've written one book and I'm working on my second book. So as a author, you have to be passionate about reading, of course. Okay, tell us your favorite book then. Well, favorite book तो obviously मेरा खुद का book है, because obviously I've written my own book. So because I know the amount of energy and effort put into my own books, so of course, Break the MBA Code is obviously by far my favorite book. It already, even when my second book comes out, the first book will always remain special. But obviously, quoting other authors, I've read a lot of, like, because I'm a business person, I read a lot of nonfiction. Mm-hmm. But the books that really got to my heart, thanks to that monk, and he completely put me on that track, Hermann Hesse's Siddhartha and Khalil Gibran. I love reading Khalil Gibran. The Prophet is one of my favorite books. And I feel like these books also like that quest to infinity that I was talking about. Ye aap knowledge kabhi aapke hath mein hi nahi aayegi, you know, because that knowledge is not meant to come in your hand. So it's understanding these books, you can read them again, and then you read them in your 20s, and then you read it, you know, good day, you read it on a bad day. Wo uska kuch alag hi rose alag matlab nikalta hai Khalil Gibran ka. I don't know if you have read Khalil Gibran. No. Oh my God, you must read The Prophet. It is such a thin book. But you will spend hours and hours reading the thin book. Because in every line, in every verse, there is a deep philosophy. It's a very spiritual book. Okay, wow. I'm intrigued now. After we finish the recording, you please order it or just read on the internet. There are a lot of phrases by Khalil Gibran. But it's basically a lot of just how life is and how life should be. And how should you be as a parent? How should you treat your child? There's a lot of all that philosophy in the book. ओके. एंड विभा, आई रियली लव टॉकिंग विद यू, और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया हमारा, ऑलमोस्ट 55 मिनट्स हो चुके हैं. तो बिफोर आई लेट यू गो, प्लीज़ टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट द वर्क यू डू विद रीच आईवी एंड विद एवरीथिंग एल्स यू डू. श्योर. सो एज आई टोल्ड यू, द कंपनी इज कॉल्ड reachiv.com, एंड वी वर्क विद यंग स्टूडेंट्स. सो वी वर्क विद स्टूडेंट्स हु आर इन स्कूल, वी वर्क विद किड्स हु आर इन कॉलेज, वी वर्क विद यंग प्रोफेशनल्स, एंड वी वर्क विद मिडिल एज प्रोफेशनल्स एज वेल. And across degrees, so undergraduate, masters, MBA, PhD, and for the mid-career professionals, we also help with executive education. This is career development, career guidance, and higher education.
सो एनी थिंग यू माइट हैव टू टॉक अबाउट पर्टेनिंग टू दीज थ्री एरियाज, मी एंड माई टीम ऑफ काउंसलर्स आर वेल इक्विप टू हेल्प यू फिगर आउट हु यू वॉन्ट टू बी, ऑल द थिंग्स वी जस्ट स्पोक अबाउट इन द पॉडकास्ट. Why this specific career? How do I find myself? How do I find my journey? Once you have a general inclination saying, oh, I actually want to work in digital media, I want to be in social media management, then we say, okay, great. Now that we have a goal, how do we get you into the right curriculum? How do we get you into the right school, the right program? So we work on the entire gamut and largely help people go only to top tier universities, universities that we have no tie up with, no affiliation, colleges that will be right for you. So we also try to really understand ki bhai, let's say you come to us and say, yaar mujhe to Stanford jana hai, and then over time we realize that actually listen, Stanford's not the right place for you. So it's the same like definition of success from some influence versus we try to give you the reality saying, yaar, you're not going to be happy there. And as a third party again, aap Stanford jao ya MIT jao ya kahin bhi jao, humko kuch farak nahi padta hai. So you also feel safe ki yaar inka to koi agenda nahi, inka to kuch commission set up nahi hai, they have no interest other than me. So the minute you have that sort of confidence in the counselor saying, man, this person is only rooting for me, ye sirf mere liye kaam kar rahe hain, then you will also trust the counselor. And that trust is very important for us to build, because the minute you know that, okay, I know I can trust Vibha, whatever she's saying is only for my own personal benefit and she has no agenda, that's really what we try to do and give that sort of unbiased guidance to people and help them figure out who they are, what they want to do, etc. People come for just one session sometimes. Sometimes they work with us over years. I'm working with someone right now on her PhD applications. Maine usko 10 standards se ab wo PhD tak pahunch gayi hai. So at every stage in her life, I have been with her. So different people, we try to help in whatever way we can. And I tell you, the journey has been very fulfilling and finally helped me find the intersection of everything. And as time went by, I could start charging a price that I felt was a comfortable price point for me as well. That money came. So the monk was right, huh? Yeah. They should try developing the heart at these institutions as well, because it's so mind heavy, you know. India mein upbringing, school, college, sab dimag se kaam karwate hain. Heart ko koi develop nahin karwate hain. Little bit of that heart education should start in the universities and schools, probably at school earlier on. True. Okay. It's wonderful, Vibha. It was lovely speaking with you. I learned so much and my listeners will learn so much. So thank you for sharing your insights very honestly with us. Thank you for your time. Thank you, Maitri. Thank you for sharing your journey also. Completely resonated. So thank you for that. अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूबल लगा तो प्लीज हेल्प लिटिल फिक्सेस रीच मोर पीपल बाय शेयरिंग इट विद समवन यू केयर अबाउट. यू कैन ऑल्सो गिव अस अ शाउट आउट ऑन इंस्टाग्राम. मेरा हैंडल है @littlefixespodcast. दिस हेल्प्स मी इन ग्रोइंग द पॉडकास्ट और बहुत सारे और लोगों की हेल्प भी होती है इसको सुन के. आई एम ग्रेटफुल फॉर योर टाइम. अब मिलते हैं नेक्स्ट वेंसडे को. तब तक के लिए खुद से प्यार करते रहो और सदा सैसी रहो. बाय. When I started this podcast in 2019, I didn't know much about the tools available and struggled with poor audio quality, blurry videos, and even losing the recording. Now I have switched to Zencastr. Zencastr not only gives me high quality audio and video podcast production, but also keeps the recording safe with its multi-layer backups even when the internet is unstable. It has a post-production feature which automatically removes sounds like and also reduces background noise with a click of a button. Go to zencastr.com/pricing and use my code LFP and you'll get 30% off your first month of any Zencastr paid plan. I want you to have the same easy experiences I do for all my podcasting and content needs. It's time to share your story. Zencastr is free to try and their hobbies plan is always free.